हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल साबूदाना के पापड़ की रेसिपी। सिर्फ 5 मिनट में ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं, तो आज हम ये पापड़ बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही टेस्टी पापड़ बनकर तैयार होंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ वाला साबूदाना लिया है, तो हमने यहाँ पर ये 250 ग्राम साबूदाना ले लिया है। सबसे पहले हमें साबूदाना को वॉश करना है। साबूदाना को वॉश करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम साबूदाना को ज़्यादा मसल मसल कर नहीं धोएंगे। इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से चलाते हुए इस तरह वॉश कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने वॉश कर लिया है, इस पानी को हम फेंक देंगे। इसी तरह हम 1 से 2 बार और साबूदाने को वॉश करेंगे और बहुत ही टेस्टी पापड़ बनकर तैयार होंगे जब आप इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने साबूदाना को वॉश कर लिया है, अब हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 ग्लास पानी। तो साबूदाना को भिगोने के लिए हम इतना ही पानी डालेंगे, बस साबूदाने से थोड़ा सा ऊपर पानी आ जाना चाहिए, आप देख सकते हैं। और इसे हम ढककर ओवरनाइट के लिए इस तरह छोड़ देते हैं। और ओवरनाइट के बाद हम चेक कर रहे हैं, साबूदाना बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। ये अपनी क्वांटिटी से बिल्कुल डबल हो गया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आपको पानी दिखे तो आप उस एक्स्ट्रा पानी को निकाल दीजिए और तभी इसके पापड़ बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर, और इसी के साथ यहाँ ले रहे हैं थोड़ा सा येल्लो फूड कलर। आज हम कुछ कलरफुल पापड़ बनाने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा साबूदाना हम इन कलर के अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा हमने रेड में डाल दिया है और थोड़ा सा येलो में डाल देंगे। और अब अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए इस तरह से। आप ये पापड़ कलरफुल भी बना सकते हैं और बिना कलर डाले भी बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पर फूड कलर का यूज किया है और ये देखिए, हमने कलर को मिक्स कर दिया है। पापड़ बनाने के लिए साबूदाना बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा नमक। साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए हम इसमें ना कोई बेकिंग पाउडर ना कोई बेकिंग सोडा यूज करेंगे, सिर्फ हमने यहाँ पर नमक यूज किया है। थोड़ा थोड़ा सा नमक जो हमने कलरफुल साबूदाना बनाया है, इस कलरफुल साबूदाने में भी ऐड करेंगे। आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें, नमक ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा ही नमक डालेंगे, क्योंकि जब पापड़ बनकर तैयार होंगे तो सूखने के बाद नमक बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही नमक हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ ली है एक प्लेट, और प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और अब हम यहाँ ले रहे हैं कुछ कंगन। आप इस तरह के पतले कंगन या फिर चूड़ी ले लीजिए। पापड़ बनाने के लिए ज़्यादा चौड़े कंगन का यूज नहीं करेंगे। और ये सारे कंगन हमने प्लेट में लगा दिए हैं। और अब जो हमने साबूदाना लिया है, नमक डालकर तैयार किया है, ये थोड़ा थोड़ा सा इन कंगन में डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पतला पतला सा हमें फैलाना है, ज़्यादा मोटे मोटे पापड़ हमें नहीं बनाने हैं। इसी तरह हम सारे चोड़ी में साबूदाने को डाल देंगे। और अब ये जो हमने येलो कलर का साबूदाना बनाया है, थोड़ा सा इससे हम दे रहे हैं डिज़ाइन। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर। और यहाँ पर हम सिर्फ येलो कलर से ही पापड़ बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ हमने थोड़ा सा रेड कलर ले लिया है, रेड कलर से थोड़ा सा हम डिज़ाइन दे रहे हैं। और एक पापड़ हम रेड कलर से बना रहे हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने ये कंगन लगाए हैं, ये सारे कंगन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से,
हमने सभी कंगन को निकाल लिया है और पापड़ की अच्छी शेप आ चुकी है। अब हमने यहाँ कढ़ाई पर पहले ही पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। एक कढ़ाई में किसी भी बर्तन में आप इस तरह से पानी रख लीजिए और इसके ऊपर हम ये प्लेट रख देंगे और अब इस प्लेट को कवर कर देंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हम इन पापड़ों को पकाएंगे। हमें इन्हें जब तक पकाना है जब तक कि यह आपस में साबुदाना चिपक नहीं जाता है। और ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं, पापड़ बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमने पापड़ों को निकाल लिया है। इसी तरह हम सेकंड प्लेट में ऑयल लगाकर, चूड़ी लगाकर साबुदाना के पापड़ बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने कुछ और डिज़ाइन देकर बना लिए हैं। और इसी तरह हम इन्हें भी कढ़ाई में रखकर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये देखिए जो हमने पहले पकाए थे, बहुत ही आसान तरीके से ये पापड़ निकल आते हैं। इन्हें थोड़ा ठंडा कर लीजिए और उसके बाद ही इन पापड़ों को इस तरह से निकालिए। और निकालने के बाद कोई भी प्लास्टिक की शीट बिछा लीजिए और उसके ऊपर ये सारे पापड़ हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत कम मेहनत में। और यहाँ पर हमने सभी पापड़ को बना करके तैयार कर लिया है और अब हम इन्हें 3 से 4 दिन के लिए अच्छी धूप में सुखा लेंगे। अगर धूप अच्छी आती है तो 1 से 2 दिन में भी ये अच्छे से सूख जाएंगे। और ये देखिए पापड़ सूखकर बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम इन्हें आपको तलकर दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए इन पापड़ों को फ्राई करने के लिए। और ये देखिए पापड़ अपने साइज से बिल्कुल डबल हो चुका है, सूखने के बाद बिल्कुल छोटा हो गया था। और सूखने के बाद पापड़ अपनी शेप में आ चुका है। ये देखिए एक मैंने आपको रेड भी फ्राई करके दिखाया है। लग रहे हैं ना देखने में भी कितने सुंदर। और ये देखिए एक मैंने येलो कलर का पापड़ भी फ्राई किया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी पापड़ को भून लिया है और आप देख सकते हैं ये अपने साइज से बिल्कुल डबल हो गए हैं। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। हमने यहाँ पर येलो कलर के पापड़ बनाए थे, हमने यहाँ पर रेड कलर के पापड़ भी बनाए थे और हमने यहाँ पर ये व्हाइट कलर के पापड़ भी बनाए थे, आप देखिए। और ये देखिए सभी तरह के पापड़ हमने बनाए हैं। मैं आपको एक पापड़ तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से पापड़ बनकर रेडी हुए हैं और मैं आपको अभी इसे खाकर भी दिखाती हूँ। तो देखा आपने कितने क्रिस्पी, कितने बढ़िया ये पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए।